लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच सीतारामगंज पुलिस ने एक गैंगस्टर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहा गैंगस्टर जगदीश उर्फ जग्गू गिरफ्तार हो गया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वारंटियों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा है। उन्होंने गैंगस्टर सहित दो की गिरफ्तारी का श्रेय पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह, उप निरीक्षक हरिवृंदन कुमार और सरका चौड़ी इंचार्ज को दिया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। एक बड़ी सफलता थाना सितारगंज को मिली है, जिसमें सीओ सितारगंज और इंस्पेक्टर सितारगंज साहब और एसएसआई सितारगंज चौकी इंचार्ज सरकड़ा, इन लोगों के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें दो हार्डकोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पे तीन गैंगस्टर सहित तीन मुकदमे हैं और एक अन्य जो लवप्रीत और लव्वू नाम का अभियुक्त है। अभी रिसेंटली एक जो घटना हुई थी 31 जनवरी को कटंगरी में, फायरिंग की घटना थी और डकैती उसमें हुई थी, तो उस प्रकरण में ये मेन क्रिमिनल जो है मुख्य अपराधी था ये, और इसी ने ही तलवार से इसमें वार किया था, तो उसकी हमने अरेस्टिंग की है। साथ में घटना में प्रयुक्त उससे तलवार बरामद की और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी हम लोगों ने इसमें बरामद किया है।